हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज एक बहुत बड़ा मुर्गी फार्म का टूर कराती हूँ। ये देखिए, मेरा भाई का मुर्गी फार्म खुला हुआ है बिहार में ही। बहुत बड़ा ये मुर्गी फार्म है, पूरे 5 सेट बने हुए हैं इस तरह का। इतना बड़ा बड़ा 5 सेट बना हुआ है जिसमें 10-10 हज़ार मुर्गी रखा हुआ है। डेली का 50 हज़ार मुर्गी अंडा देती है, रोज़ डेली 50 हज़ार मुर्गी अंडा देती है। ये देखिए, अभी खाने देने का टाइम हो गया है। सुबह शाम इसको खाना दिया जाता है, दाना दिया जाता है। अभी 4 बजे मैं वीडियो बना रही हूँ, 4 बजे इसको खाना देने का टाइम हो गया है। ये देखिए, सुबह 4 बजे दिया जाता है और शाम को दिन भर नहीं दिया जाता है। इस तरह का खाना देने का ट्रैक बना हुआ है और नीचे उसके नीचे पानी का ट्रैक बना हुआ है, उसके नीचे अंडा देने का। देखिए, नीचे जाल की तरह ट्रैक बना हुआ है जिसमें अंडा देती है तो नीचे आ जाता है, गिरता नहीं है। इस तरह का देखिए, सब खाने के लिए बेचैन हो गया है। अभी टाइम होते ही ये सबको खाने के लिए बेचैन हो जाता है, मुझे खाना मिलेगा। अब देखिए, इस तरह ये दे रही है। यहाँ पर ये लेबर रखा हुआ है, लेडीज जेंट्स। देखिए, इस लाइन में खाना दे देगी तब इधर देगी। देखिए, डेली का 50 हज़ार अंडा यहाँ पर निकलता है और 5 सेट इस तरह का बने हुए हैं। 5ों में 10-10 हज़ार मुर्गी रखा हुआ है। देखिए, एक एक करके अंडा देते जाता है। ये सबको टाइम नहीं है लेकिन रोज़ अंडा देना ही है। 50 हज़ार डेली का अंडा यहाँ पर निकलता है और ये अंडा सारे पैक होकर बाहर जाता है। खुदरा तो नहीं बिक्री होता है, ज़्यादातर ये बाहर ही जाता है। अंडा पैक होकर गाड़ी यहीं पर आता है फार्म पर ही और चला जाता है। इस फार्म का नाम है सिंग लेयर मुर्गी फार्म। देखिए, यहाँ भी अंडा दे दिया है। अंडा का साइज़ भी देखिए कितना बड़ा बड़ा है, छोटा नहीं है। ये देखिए, सारे एक ही कलर का मुर्गी यहाँ पर रखा हुआ है, व्हाइट कलर में। पहले तो छोटा छोटा बच्चा आता है और उसको नीचे पाल कर तब उसको इस यहाँ पर ट्रैक पर रखा जाता है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है नज़ारा मुर्गी फार्म का। इस तरह 5 है। चलिए, थोड़े थोड़े करके मैं 5ों को दिखाऊंगी। बहुत बड़ा बड़ा है इसीलिए मैं पूरा तो नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन जितना हो सके मैं दिखाऊंगी आप लोग को। इसमें खाना दे दी तो बोली हाँ, देखिए इसमें खाना दे दिया है इस लाइन में, और इधर मैं अब देने वाली है, इसमें दे दो। हाँ, देखिए ये सब झारखंड से लेबर लाकर यहाँ रखा हुआ है। लेडीज जेंट्स यहीं लोग खाना देता है। इसमें ज़्यादा आदमी आने का अलाव नहीं है, क्योंकि ज़्यादा आदमी आने से मुर्गी लोग डर जाती है और अंडा नहीं देती है। इसीलिए इसमें आदमी आने को मना है, बाहर से ही देखता है लोग, अंदर नहीं घुस पाता है क्योंकि मुर्गी डर जाती है तो अंडा नहीं दे पाती है। अभी मैं वीडियो बनाने के लिए ही अंदर घुसी हूँ, क्योंकि इसमें सिर्फ खाना और पानी जो देता है वहीं घुसना ज़रूरी है। देखिए, पीछे से दिखा रहे हैं, देखिए कितना दूर दूर तक ये शेड बने हुए हैं। बहुत बड़ा बड़ा शेड इस तरह का 5 बना हुआ है। 5ों में 10-10 हज़ार मुर्गी रखा हुआ है। ऊपर ये पंखे भी लगे हुए हैं, मुर्गी लोग को भी बहुत गर्मी होता है। ये हवा पानी के लिए साइड से जाल लगा हुआ है ताकि सबको हवा लगे। ऊपर एयर कंडीशन रूम बना गया है ताकि सबको हवा लगे। ठंड में भी सबको बहुत ठंड लगता है, उसमें गर्म हीटर जलाना पड़ता है, चलाना पड़ता है सबको। ये देखिए, अंडा एक दे दिया। अंडा का साइज़ देखिए कितना बड़ा है, बड़ा बड़ा साइज़ का अंडा ये देता है। देखिए, ऊपर खाने का टेक बना हुआ है और पानी पीने का, सबसे नीचे अंडा देने का। अंडा एक भी नीचे नहीं गिरता है, सारे ऊपर जाल की तरह ट्रैक बना हुआ है, उसी में अंडा सारे देते रहता है। और इसमें एक एक अंडा कर कर के चुन चुन कर जमा होता है ट्रे में। ये लोग एक एक करके सजाते हैं, उसके बाद कार्टून में पैक होता है। चलिए, वो भी आप लोग को दिखाऊंगी। एक एक करके अंडा को चुनने के लिए मजदूर भी रखा हुआ है। देखिए, दूर से दिखा रहे हैं। ये देखिए, मैं दूसरा केज में आ गई हूँ, दूसरा देखिए शेड में। यहाँ पर खाना पानी पहले से दे दिया गया है। देखिए, यहाँ पर सब खाने में लग गया हुआ है। और देखिए, यहाँ तीसरा सेट में आए हैं, यहाँ पर जेंट्स दे रहे हैं, लेडीज जेंट्स सब यहाँ पर मजदूर रखा हुआ है। सबको टाइम है इस टाइम में खाना देने का। पानी नहीं ऐसे दिया जाता है, नल का सिस्टम बना हुआ, नल खोल दो उसी से पानी जाता है। और सबको बीमार भी पड़ता है तो दवा भी नल पानी के थ्रू दिला जाता है। देखिए, दवा पानी सब पानी के थ्रू ही सबको दिया जाता है। ये सबको खाना भी दे दिया और अंडा भी नीचे देती रहेगी। और इस तरह के जाल में एक एक ठो अंडा दिखते जाएगा और इस तरह के जमा करते रहते हैं मजदूर लोग और पैक करते हैं। देखिए,
बहुत बड़ा बड़ा ये शेड बना हुआ है जिसमें 10-10 हज़ार मुर्गी रखा हुआ है और 50 हज़ार का डेली का अंडा निकलता है यहाँ पर। और इससे बाहर ही बिक्री होता है, खुदरा नहीं होता है, बाहर से गाड़ी आता है और वहीं उसी में पैक होकर बाहर सारे अंडा जाता है। देखिए ये देखिए इस तरह का एक एक करके चुन चुन कर लाते हैं ट्रे में, ये लोग सजाते हैं उसके बाद कार्टून में पैक करते हैं। देखिए एक एक ठो लाला कर यहाँ ट्रे में सजा रहे हैं उसके बाद पैक होता है। देखिए चौथा मैं शेड में आ गई हूँ, यहाँ पर भी पानी खाना पानी सबको दे दिया गया है। देखिए सारे खाने में जुट गए हैं और इधर पानी भी खोल दिया गया है, इस तरह का पानी का सिस्टम बना हुआ है। इसमें पानी भी जा रहा, खाना भी खा रहा, पानी भी पी रहा है। देखिए कितना शांत लग रहा है, क्यूट सा, खाना खा लिया, सबको मिल गया है। देखिए यहाँ भी ये लोग अंडा इकट्ठा करके इसको पैक कर रहे हैं कार्टून में, और इस तरह कार्टून में पैक कर करके रखते हैं और बाहर से गाड़ी आता है माल लेकर जाता है। और यहाँ पर एक रूम बना है जिसमें खाना पानी दाना दवा सब रखा हुआ है। देखिए सारे मक्का और चावल गेहूँ दाना खाता है, ज़्यादातर मक्का का दाना खाता है। यहाँ मशीन भी मेरा भाई बैठाया है बहुत बड़ा, जिसमें खुद मक्का का दाना बनते रहता है, बाहर से मक्का आता है खरीदा कर इसी में दाना बनता है, बोरे में पैक होकर सब रखाता है, सारे पैक होकर ले जाता है बोरा बोरा और खिलाते रहता है दाना। देखिए कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगे लाइक करिए। थैंक यू फ्रेंड।